अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो के अपडेट मिलते हैं। हे गाइस, मेरा नाम चिंटू प्रसाद है, आप देख रहे हैं चिंटू प्रसाद चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं MI Band 3, जो कि एक कैप्सूल टाइप बैंड है, जो कि आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं। ये MI Band 1-2 के बाद ये तीसरा इन्वेस्टमेंट है MI Band 3। इसमें आपको नया डिस्प्ले इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो OLED स्क्रीन है, जो 128x80 रेजोल्यूशन के साथ आता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ। बाकी मैं आपको इसको खोलते हुए इसकी डिटेल बताऊंगा। और सबसे पहले कोई भी चीज़ ले, कोई भी गैजेट ले, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले, तो उसके सील को चेक कर ले। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको दोनों साइड से सील किया हुआ है, इसको बॉटम और टॉप से दोनों से सील किया हुआ है। तो चलिए इसके सील को हटाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे खोला, टॉप साइड से खोल रहा हूँ और सबसे पहले पकड़ के मैं खींचता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रैप दिया हुआ है, एक यूनिट स्ट्रैप है। स्ट्रैप को खोल लेते हैं और देखते हैं, स्ट्रैप के साथ पूरा लगा हुआ है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। आप इसमें देखिए, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जिसको टच करते ही तुरंत डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे ये है, और पीछे आप देख सकते हैं एक PPT एक हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है। और ये जो MI Power Band 3 है, ये आपका इसकी वाटर रेटिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये 5 AM यानी कि 5 एटमॉस्फेरिंग 50 मीटर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल सकता है, यानी कि आप इसमें पानी में स्विमिंग कर सकते हैं। इवन आप इसमें कितना भी प्रेशर का वाटर स्ट्रीम पड़े, ये जल्दी से डैमेज नहीं हो सकता है। मतलब ये कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं कि इस जगह पे अटैच है, और नीचे में यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है। इसके साथ इसमें एक्सेलेरोमीटर और भी बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं, एक्सेलेरोमीटर और फुट स्टेप सेंसर दिया हुआ है, और बाकी बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं, जो काफ़ी इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और इस ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी होने के कारण ये लो पावर पे काम करता है, यानी कि जब आप इसे स्टैंड बाई में रखोगे तो ये लगभग 20 दिन तक आपको बैटरी बैकअप देगा। और आपका यूजर्स पे डिपेंड करता है कि कितना कम या ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा। तो इसको थोड़ा साइड रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं और इसके साथ क्या दिया है। बस इसके साथ हो सकता है एक चार्जिंग केबल दिया हुआ है। इधर साइड से हम उठाते हैं, और ये यूज़र गाइड है, इस जगह पे यूज़र गाइड दिया हुआ है। इस यूज़र गाइड में दिया हुआ है इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टच स्क्रीन है, इतना एरिया टच स्क्रीन है। ये एक बटन है, हार्ट रेट मोनिटर है, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिखा रहा है। ये इसका एक बटन है, इतना एरिया टच स्क्रीन है, बटन को टच करते ही ये ऑन होता है। और नीचे में आपको हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट इसके नीचे दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब लगाने पे चार्जिंग भी हो सकता है, ठीक है। और चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, मतलब साइड में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। हमको लगता है इसको खोलने के बाद ही आप इसको चार्ज में लगा सकते हैं, तो इसको खोलने के लिए पुश करना होगा। इसको देखते हैं कैसे खोलते हैं। और देखिए, जैसे इसको डाउन दबा के इसको पूरी तरह से पहले इसको खोलना होगा आपको यहाँ से, और उसके बाद इसको बाहर निकालना होगा, और इसके बाद आप इसे पुश करके आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग के लिए दो पिन दिया हुआ है, एक नेगेटिव प्रॉब और एक पॉजिटिव प्रॉब दिया हुआ है। इस प्रॉब को यूज़ करके आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। और इसका चार्जिंग स्टैंड हम देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे मैं चार्जिंग स्टैंड निकालता हूँ, और इसको निकाल के आप इसे लगा सकते हैं चार्ज में। तो इस तरह करके आप इसे आसानी से चार्ज में लगा सकते हैं। तो चार्जिंग के लिए दिया हुआ, और आप इसको नॉर्मल USB-A Type कनेक्टर को कनेक्ट कर दीजिए अपने चार्जर में, और इस तरह करके ये चार्ज होगा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बैंड है। इसमें जो डिस्प्ले का फीचर दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आप बहुत सारे अलर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कॉल आ रहा, कॉल को आप यहीं से रिजेक्ट कर सकते हैं और कॉल को रिसीव कर सकते हैं। इवन कॉल ही नहीं, आप इसमें व्हाट्सएप जितना भी नोटिफिकेशन आता है सारे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। प्लस आप इसके थ्रू आराम से अपना हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे आप अपने इस हार्ट रेट से मॉनिटर जितने भी अपडेटेड आपका मतलब हार्ट रेट का आपका बॉडी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, जो भी मेडिकल डेटा होगा, उसको आप गूगल हेल्थ ऐप और भी बहुत सारे ऐप है, MI का अपना हेल्थ ऐप है, उसमें अपडेट करके और आप इसका
इस डेटा को यूज़ करके आपका हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस इसमें क्योंकि ये पुराना बैकवर्ड को सपोर्ट करता है, इसमें आप कितना देर सो गए, डीप स्लीप, बाकी सारे चीज़ चेक कर सकते हैं। पुराना सारा फीचर है, प्लस नया फीचर आ गया। आप इसमें टाइम भी चेक कर सकते हैं, टाइम डेट और बाकी सब फीचर चेक कर सकते हैं। और आप इसे पेयर कर सकते हैं कोई भी डिवाइस जो जिसमें ब्लूटूथ 4.0 से ज़्यादा हो और एंड्रॉयड 4.0 से ज़्यादा हो, प्लस iOS 9 से भी ये कंफर्टेबल है। तो ये एक बैंड काफ़ी अच्छा है जिसमें आपको सारे फीचर मिलता है। और ये ऑटोमेटिक, मतलब टच करते हैं आप इसमें टाइम वाइम और बाकी सब देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैंड है। और इसके जो डायमेंशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 17 मिलीमीटर का डायमेंशन है। और इसकी जो OLED डिस्प्ले है, मतलब ऑप्टिकल LED डिस्प्ले है, वो काफ़ी अच्छी है और जो कि क्लियर विजिबल है सनलाइट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको, और इसको मैं देख लेता हूँ हाथ में लगाने के बाद कैसा लगता है, कंफर्टेबल है या नहीं। तो देख सकते हैं आप इसमें हर वेरिएंट का साइज, हर हाथ के लिए साइज दिया हुआ है। तो लगा के देखता हूँ, और यहाँ पे लगाने के बाद ये काफ़ी फिट बैठता है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और इसका जो बैंड दिया हुआ है वो काफ़ी टफ और मजबूत है और जल्दी निकलता नहीं। मैं इसको पुश करके बहुत कोशिश कर रहा हूँ, इतनी आसानी से नहीं निकलता है। आपको इसको खोल के पीछे से पुश करना होगा तभी निकलेगा। तो ये देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा, प्लस काफ़ी अच्छा बैंड है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये 2000 रुपये का बैंड, 1999 का बैंड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है अगर आप टाइट बजट में। तो देख सकते हैं हाथ पे पहनने के बाद ये काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका जो बैंड है वो काफ़ी स्मूथ है। पहनने के बाद मुझे ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा कि मैं कुछ पहना हो, और काफ़ी वेटलेस है। इसका वेट भी काफ़ी परफेक्ट है पकड़ने के, मतलब पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी आपको MI बैंड 3 की अनबॉक्सिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अपने राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।